फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं पोकेमोन सोर्ड एंड सिल्क के एपिसोड नंबर 5 का रिव्यू। तो इस एपिसोड में कोई एक नया पोकेमोन पकड़ने वाले, देखते हुए कौन कौन है वो। तो जो स्कोर बनी गो के बारे में सोचते हैं और एस और गो ट्रेन के अंदर जो खाना मिलता है वो खाते हैं जब, और एस इतना तेज खाते हैं उसके गले में खाना फंस जाता है, फिर वो गैस में निकलता है। अपन स्कोर बनी सब बहुत करते हैं उस पर ध्यान दे, बहुत देर चल के जाता है, कोई ध्यान नहीं, इसलिए गुस्सा हो जाता है और एक कपड़े में जाके बैठ जाता है इतना उदास होकर। फिर वो ट्रेन मतलब आगे चल जाती है, इसको मतलब उधर उतर जाते हैं और इसको अपने ट्रेन के अंदर फंस जाता है, मतलब उन सब नहीं पता। और बहुत कोशिश करते हैं, बाद में वो स्टेशन पहुँचते हैं, फिर जाते हैं, फिर वो पूछते हैं जेंटलमैन मतलब जी बड़ा पकड़ कहाँ पे, बोलते हैं वो रेड कलर एरिया के बाद फल मत जाना। फिर वो ट्रेन जाते हैं दिखती है हम सबको, और वो ट्रेन के सामने रहते हैं स्कोर बनी, और जब चलते हैं मतलब भागने तैयारी में से और एकदम तेज भागने लगते हैं। फिर ऐसे एक भाग बगीचे में पहुँचती है, वाइल्ड एरिया बोलते ये वाइल्ड एरिया ये मे भी ये। फिर एक फ्लाई को मतलब सब उधर जितने बहुत वाइल्ड एरिया जितने कमाते हैं सब छात्र वो सब दोनों खेलते फ्लाई को सब खेलते हैं, और पे वो लोग पकड़ में दिखाई देते हैं और उसको देखने में बहुत फनी है। फिर वो जाते हैं वो रेड कवर एरिया के पास जहाँ जहाँ मैना है। फिर यहाँ पे एक स्नो लैक्स वगैरह रहता है मतलब सोए हुआ था, सोने उस पर काम ही किए। फिर वो इसको मतलब स्नो लैक की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसमें एनालाइज करता है, बोलते हैं 400 किलो का फूड हर दिन खाता है, इसकी हाइट 2.1 मीटर है, एवरेज हाइट मतलब कम से कम मतलब मीडियम हाइट बोल सकते हैं हम उसको। हाई स्कोर बनी एकदम बुढ़े से चल के आता है और उसको एनालाइज करते हैं, और उसके जाने पता चलता है इसका जितना भी हाइट है सब एकदम नॉर्मल है। और उसके बाद बोलते हैं पर वो दोनों को एकदम पता चलता है जब सोचते हैं घंटा मास्ट पोकेमोन है, जब उनको बहुत उदास लगता है। तो वहाँ पे उसको एक पेचअप बनी रहता है और तो पिकाचू उसको तोड़ता है और स्नोरलैक्स से पेचअप बनी उस स्नोरलैक्स में चल जाता है। बाद में जो होता है वो एकदम नया था, उसको वो उछले खा लेता है। फिर अचानक ही वो मतलब पिकाचू उसको उसके सिर पे लग के जाता है उसके पास, और बाद में गो उससे मिलता है इसको बनी से मानो गो का वही वचन बोलते हैं माफ़ कर दो, मेरा पहला पोकेमोन मैं चाहता हूँ मैं न्यू को पकड़ो, ऐसा बोलता है जो मैंने बचपन में देखा था मतलब बैक स्टोरी मतलब फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी जो उसने देखा था मतलब म्यू को देखा था उसके सपने म्यू को पकड़ने का वही। फिर वो एकदम उदास जाता है और बोलते हैं तो मुझे मैं पीछे आ सकती हूँ पर मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। पर अचानक कोई लाग करके लाइट आती है और सब लाइट सोने लग सब ऑब्जॉर्व कर लेता है, पता नहीं कैसे। फिर जो होता है एकदम नया था, पहला जेंट मैक्स एनिमे के अंदर मतलब पांचवें एपिसोड के अंदर जेंट मैक्स एकदम जोरदार लाइट निकलती है। अब वो पूछते ये क्या है एस, तो एपिसोड में जेंट मैक्स में बता गया है वो एकदम बड़ा हो जाता है एकदम बड़ा, और उसके पेट पे कोई छोटा सा जंगल आ जाता है मतलब मीज आता है आपको जंगल टाइप छोटा सा वाटा पर जाता है, और इस पर बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं बराबर, और उसके पेड़ के अंदर बहुत सारे बेरी रहते हैं जिससे स्नोलैक्स खा सकता है, और उसे देख के बोलते हैं ट्री कहाँ से आया। फिर वो एकदम वो नहीं क्या रेलवे पट्टी पर अटक जाता है, और इतना बड़ा हो गया इससे जो रेलवे पट्टी थे वो अटक गया, और उसे हटाने की कोशिश करते हैं मतलब उसको स्नोलैक्स को मतलब ट्रेन आती होगी थोड़ी देर में, हाँ उससे तो ट्रेन थोड़ा टकरा सकती है और कुछ भी ट्रेन सब सकता है। बोलते हैं जल्दी इसका टाइम चाहिए, फिर से उसे वो पैचअप बने दिखती है, सोचते हैं हम इसे खिला देंगे तो नॉर्मल हो सकता है, और इसी बंद वो लोग उसी ऊपर चढ़ते हैं। पर इसको ऊपर नहीं पता नहीं क्या हुआ पागल कर रहा था वही एकदम उदास ज़्यादा सेट हो जाता है। फिर वो देखते हैं वो ऊपर जा रहा है तो सोचते हैं मैं उसकी मदद कर सकता हूँ मतलब उससे भी पकड़ा देना इसलिए मतलब इसलिए पहले जब फेस मारा उसने। फिर जब चढ़ता है और ऐसे पूछते हैं कैसे भी करके पेचअप बेरी के
पास और उस पर अटैक कराते हैं, आई एंटर अटैक करने बोलते हैं, पिकाचू कंटिन्यू आई एंटर अटैक करता है एकदम रुके बिना, लगभग 10 या 12 अटैक करता है, और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत निशाने मारने के बाद वो टूट जाता है और फाइनली वो कट हो जाता है एंटिल से और नीचे गिरने लगता है, पर नीचे गिरते गिरते वो अटक जाता है, फिर गौर उसे उसे धक्का मारते पर उसे हिलता भी नहीं कोसे, तो आके वो स्कोर पर इसके आके मदद करते हैं, मतलब उसको चले मदद करते हैं, तो सोचते हैं ये मैं मदद कर सकते हैं, उस पर अपन डबल किक अटैक करो तो ये एक ही किक में कर सकते हैं, और जब वो उसका ऑर्डर सुनते हैं वो एकदम खुश जाते हैं और उस पर भी अटैक कर देते हैं स्टाइल मूवी, और उसके ऊपर वो स्नो नेक्स्ट मूवी चल जाते हैं, वो स्नो खा लेता है और फिर एकदम फिर से नॉर्मल हो जाता है, और अपन उसकी मूवी चल जाते हैं स्नो लेस के, फिर उसको निकालते हैं और स्नो लेस को एकदम धूप में जाता है लाल के अंदर, फिर उसे साफ करते हैं मतलब उसको, और फिर वो बातें करते हैं, बोलता है मैं तुम्हें पहला पकवान बना सकता हूँ, फिर डब्बा की तुम्हारे बहुत काम ऐसा तो थैंक यू बोलते हैं नफ से, डूबल हमने एकदम खुश हो जाता है ये तारीफ करी, फिर अचानक उसे क्या होता है एकदम कोई सैड हो ना कोई चलने लगता है, वो बोलते मैं तुम्हें मेरा पहला पकवान बनाऊंगा उसको बनी ऐसे बोल पकवान डाल देता है, पर उसका निशान चूक जाता है, पर इसको बनी उछल के उसको टक्कर लगे पकड़ वाले खुच ले पोकेबॉल के अंदर, उसका निशाना बहुत ख़राब है गो का, फिर वो बन जाते हैं पहला पोकेमोन द गो, फिर सोचता है मुझे मृत्यु पूछना है इसलिए मुझे जितने पोकेमोन है ये दुनिया के अंदर सब पोकेमोन टोटली सब केंटो जोटो जितने भी है सब वही पकड़ना है, मतलब उसका आगे सा ड्रीम रहता है, और फिर वो मतलब सब पोकेमोन पकड़ने के बाद फाइनली वो गो मतलब म्यू को पकड़ेगा वो इतना सब करने के बाद, पर वो एम्पल तो फिर वो एम्पल से दोस्त दिखाने की कोशिश करते हैं, पर एम्पल कुछ ध्यान देते नहीं और एपिसोड यही पूरे जाते हैं, तो ये एपिसोड में उसने पकड़ा नया पोकेमोन गो ने और जेंटामैक्स में पता चला, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना भरना, इस बार एम है 25 लाइक के लिए, 25 लाइक के लिए।